तो आज शुरू करते हैं चैमिन, जो एक दुखद प्रेम कहानी के ऊपर आधारित एक निबंध है, उसके आगे का भाग यानी दूसरा भाग। इस भाग में करुतमा जो है वो अपने पति पलनी के साथ दूसरे तट पर, समुद्र के दूसरे तट पे त्रिकुणपुसा के जगह पर आ जाती है और वहाँ के जीवन के बारे में उसका क्या रहता है वो हम देखते हैं। करुतमा अपने घर में आने के बाद एक अच्छी तरह औरत बनकर और प्रेमिका की तरह अपनी गृहस्थी को एक सही गृहिणी की तरह चलाती है। करुतमा पति को भी पसंद करती है, दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें बताते हैं। इस तरह उनका जीवन निर्वाह होने लगता है। पर एक तकलीफ आती है जब शादी के बाद माँ बाप पर वधु को दूसरे चौथे दिन खाने पे बुलाते हैं, तो उसमें उसकी माँ, चूँकि चक्की जो थी करुतमा की माँ, वह शादी के दिन से ही खाट पकड़ ली थी, यानी उसकी उसका शरीर बिस्तर पर था, वह कुछ भी करने लायक नहीं थी। और उसके उसका पिता जो था चेपन कुंज, वो जो था वो अपनी बेटी करुतमा को पसंद नहीं करता है और इसलिए उसने निमंत्रण नहीं दिया। इस बात से पलनी और वहाँ उस घाट की सारी स्त्रियाँ को संदेह होता है कि ज़रूर इस करुतमा में कुछ कमी है, इसीलिए इसे निमंत्रण नहीं दिया गया या फिर सही तरीके से इसके माता पिता इसकी पूछ नहीं करते हैं। इस बात को लेकर उसे करुतमा को बहुत दुख होता है। पलनी भी इस बात से रुष्ट हो जाता है। समुद्र में जाकर वह करुतमा रोती है और सोचती है कि मैं मर जाऊँ, तट पर रहने वाले के योग्य नहीं हूँ। यह सब सुनकर करुतमा का विश्वास टूट जाता है और वो बहुत से शक से शक कर रोने लगती है। करुतमा उसको विश्वास करने को कहता है, उसने वचन दिया कि वह पवित्रता के बनकर मल्लाहीन बनकर रहेगी और इस तरह पलनी से को के प्रति अपना विश्वास को जगाने की कोशिश करती है। करुतमा को लगा कि उस पर एक वज्रपात तब हुआ जब उसके पिछले प्रेम के बारे में, प्रेम रहस्य के बारे में पलनी को कुछ संदेह होने लगता है। करुतमा ने भावुक मन से अपनी भीगी आँखों के साथ परिकुटी की मूर्ति खड़ी देखकर उसने अपनी सारी बातें बताई। मधुर स्मृति उसकी भी ताजी हो जाती है। स्वप्न में वो एक बार ये सारी बातें को याद करती है। पलनी को अब पूरी तरह संदेह हो जाता है, लेकिन पलनी का विश्वास तब प्रबल हो जाता है जब उसकी माँ चक्की की मृत्यु की खबर परिकुटी आकर करुतमा को देता है। तब उसे शक होता है और वहाँ की दूसरे तट की सारी महिलाएं, आसपास के सारे लोग इस बात पर जोर देने लगते हैं कि एक मुसलमान होकर इसकी माँ की मृत्यु के बाद क्यों बताने आया है। यह सब बात पलनी को भी अच्छी नहीं लगती है। इस बात को लेकर दोनों के प्रति बहुत सारी बातें होती हैं और अंततः करुतमा ने अपनी पिछली पूरी बातों को पलनी के सामने रखती है और सारी बातें बता देती है। वह रोते हुए अपनी सारी बातें पिछली को बताती है। इस बात से दोनों के जीवन में बहुत कुछ फेरबदल होते हैं और करुतमा कहीं ना कहीं अपने पति के सामने अपनी इन सारी बातों को, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए कहती है, लेकिन पलनी इस पर विश्वास नहीं करता है और कहीं ना कहीं इनके रिश्तों में खटास आ जाती है। बाद में करुतमा गर्भवती होती है। करुतमा ने एक बच्ची को जन्म दिया। जब बच्ची बड़ी होने लगती है और उसे संभालने में दिक्कत होती है, तब करुतमा अपनी बहन पंचमी को अपने पास बुलाना चाहती है ताकि वो उसके साथ निभा सके। पंचमी अपनी बहन के पास आ जाती है और उसके साथ में और उसके बच्चे की देखभाल में उसका साथ देती है। इस तरह दोनों बहनें हंसी खुशी एक साथ रहने लगती हैं
और समय मिलने पर दोनों अपनी एक दूसरे से अपनी पुरानी बातों को याद करके खुश होती थी। इधर पलनी जब तट पर जाता तो कहीं ना कहीं इसके मन में एक उदासी रहती थी और तट के भी लोग इसे अलग करने लगे थे, क्योंकि इन सब के मन में विश्वास था कि ये मुस्लिम इसकी पत्नी का कुछ संबंध सही नहीं है। और उसके घर मुस्लिम के आके एक दुखद बात बताने से सभी लोग ऐसे ही परेशान थे और सभी इसको अलग करने लगे थे। बहन की आ जाने से करुदमा का जीवन तो सुख में बीतने लगा। अपनी बहन से बातें कर कर खुश रहती थी और अपनी स्मरण पुरानी बातों को स्मरण करके अपनी बचपन की बातों को याद करके खूब खुश होने लगी। जब पलनी तट पर चला जाता, समुद्र में चला काम के लिए चला जाता, तब दोनों बहनें अपनी पुरानी बातों को स्मरण करती और खुश होती थी। लेकिन समय बीतता गया, पलनी के मन का जो डर था और मन का जो अविश्वास था वो ख़त्म नहीं हुआ था। वो कहीं ना कहीं उसके मन में हमेशा ये बात खटकती रहती थी। एक दिन पलनी समुद्र गया और उसके नाव अनंत जल में विघ्न हो गया और पलनी किसी तरह अपनी खेते आगे की ओर बढ़ने लगा। पलनी आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था और उसने एक सार्क मछली को पकड़ने के लिए कांटा डाला और अनंत दूर तक चलता गया। इधर करुतमा के मन में भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। वो उसे भी नींद नहीं आ रही थी, अजीब सा लग रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और उसके मन में कहीं ना कहीं उसकी पिछली बात कौंध रही थी। उसे लग रहा था कि उसे कोई आवाज़ दे रहा है। पलनी समुद्र में जाकर उस रात वापस नहीं आता है और दूर अनंत तक भागता जाता है। करुतमा को के मन में पुरानी बातों के चलते लगता है उसे कोई आवाज़ दे रहा है और वो बाहर की तरफ निकलती है। रात में वो अकेली तट पर पहुंचती है। वहां उसे परकुटी को खड़ा पाया। स्वच्छंद चांदनी में उसने परकुटी को खड़ा देखा। परकुटी पहले से ही वहाँ पहले के से जैसा नहीं था, वह थका हुआ था। करुतमा को लगा कि मेरे कारण इस पुरुष का सर्वनाश हो गया। यह सब बातें उसके मन में कहीं ना कहीं कौंध रही थी। अब जब दोनों अकेले उस तट पर मिले तो उनके प्रेम की भी तीव्रता बढ़ती है और पड़ी को उसने करुतमा परिकुटी जो है वो अपनी पलनी को आवाज़ देता है और परिकुटी की आवाज़ सुन करुतमा जवाब भी देती है और उसके पास चली जाती है। इस तरह दोनों अकेले अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रेम फिर से ताज़ा हो उठता है और वे सारे अपनी मर्यादा भूल जाती है। करुतमा और परिकुटी उस जगह पर मिलकर अपनी पुरानी सारी यादों को ताज़ा करते हैं। उस रात मेघ भयानक गर्जन होता है और चारों ओर बिजली कड़कती नजर आती है। दोनों एक होते हैं और उन्हें सारी मर्यादाएं तोड़कर अपनी पुरानी जीवन को पुरानी समय को याद कर एक दूसरे में खो जाते हैं। उस रात पलनी जो कि समुद्र तट पर अनंत दूर तक चला गया था और वो एक ऐसे भंवर में फंस चुका था जहां उसे सिर्फ उसकी पत्नी ही बचा सकती थी। समुद्र के लोगों का ऐसा मानना था कि उनकी पत्नी ही उनकी रक्षा की ढार है। वो चाहे तो अपने पति को बचा सकती है। अब वही मल्लाहन ही उसकी रक्षा कर सकती है, मगर वह करुतमा जो रहती है अपनी मर्यादा खो चुकी रहती है। वो उस समय परिकुटी के प्यार में इस तरह से अलग रहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। उधर पलनी भी बहुत आवाज़ देता है, करुतमा मुझे बचा लो, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं रहता है। उस रात आंधी तूफान बिजली में गर्जन सब ने एक साथ मिलकर सहारे का काम किया और दोनों अपने अपने रिश्तों में फंस चुके थे। करुतमा और परिकुटी अपने एक विश्वास में डूब चुके थे और पलनी का भी समुद्र भंवर में डूब चुका था। चारों ओर अंधेरा छा चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो
समुद्र तट के किनारे उसे चीख पुकार सी मची हुई सुनाई देती है। जिस तरह पंचमी, जो कि एक छोटे बच्चे को, कृतमा के बच्चे को लेकर चारों ओर इधर उधर पुकारती घूमती रहती है, रोती रहती है, और इधर आलिंगन वध हुए परिकुटी और कृतमा दोनों की लाश वहाँ पे मिलती है। और दूसरे तट पे एक सार के पेट में पलनी का शव मिलता है। इस तरह दुखद प्रेम का अंत होता है, जिसमें परिकुटी और पलनी दोनों का अंत हो जाता है। और पलनी भी अपनी अपनी जो मन की तृष्णा थी, मन की जो कुरह थी, वो भी उस अंत के साथ सारा कुछ समाप्त हो जाता है। इस तरह ये चिमिन जो है पूरी तरह से दुखद प्रेम के अंत की कहानी है।